हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में बहुत ही एक्जॉटिक मैक्सिकन डिश शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ वेज मिक्स बीन क्वेसिडियाज हम आज बनाने वाले हैं, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, बट उसका हेल्दी वर्जन बनाएंगे। और साथ ही वीडियो के अंत में आपको एक बोनस रेसिपी शेयर करूँगी मैं बोरितोस की। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपको जो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो के इस वाली रेसिपी के कंपोनेंट कई सारे होते हैं, देखने में बहुत ही इलोबरेट रेसिपी है, बट ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। हम इसको वन बाय वन बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टेको सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि रेस्टोरेंट में शेयर होता है। मैक्सिकन सॉस में के अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप टमाटो केचप लिया है। इसके अंदर 1/4 कप हम वाटर मिक्स करेंगे एंड 1 टेबल स्पून विनेगर, वाइट विनेगर यूज़ करेंगे, बट मैंने यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रेसिपीज़ को जितने से ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस में उसके अंदर यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसमें सीजनिंग मिलाएंगे। मैक्सिकन डिशेस का मेन इंग्रेडिएंट सीजनिंग में एक तो भुना हुआ जीरा, क्यूमन सीड पाउडर होता है, जो कि इंडियन हमारे मसालों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पाइसेस में। तो ये बहुत ही दोनों इंडियन एंड मैक्सिकन कुजीन में बहुत ज़्यादा समानता होती है। यहाँ पे क्यूमन सीड पाउडर के साथ साथ हम ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और साथ में फिर टेको सीजनिंग, अगर आपके पास में रेडीमेड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेको सीजनिंग की भी पूरी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे पूरा अच्छी तरह से मेज़रमेंट के साथ में चेक कर सकते हैं। इसमें मिक्स करके सारी सीजनिंग है ना, उसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और थोड़ा गाढ़ा करेंगे, तो ये हमारा एक्चुअल में जो टेको सॉस यूज़ होता है वो तैयार हो जाएगा। बट डोंट वरी, अगर आप इतना सब काम नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा टमाटो केचप लेके उसके अंदर सीजनिंग मिक्स करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम जो मिक्स बीन मिक्सचर हमारा है वो रेडी करेंगे, जो कि इसकी स्टफिंग है, मेन स्टफिंग मैक्सिकन डिशेज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए जो मैंने वेजिटेबल्स लिया, उसमें मैंने एक फाइनली चॉप्ड ऑनियन लिया है। ऑनियन के साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक सीधा चॉप करके ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज, 2 ग्रीन चिलीज ऐड करी है। मैक्सिकन डिश भी स्पाइसी होती है। ये टमाटो प्यूरी है जो मैंने बना लिया है फ्रेश टमाटोज के साथ में। साथ ही मैंने कैरेट और कैप्सिकम यूज़ किया है। जो अंदर इसके साथ में मिक्स बीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट बीन्स का मिक्सचर कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही हेल्दी डिश है। यहाँ पे ये मैंने बॉइल्ड ब्लैक बीन्स लिए हैं। इसके साथ ही मैंने वाइट बीन्स एंड चने का मिक्सचर है, इसको भी मैंने बॉइल किया हुआ है। मैंने अपने कुछ बचे हुए राजमा जो मेरे पास थे वो यूज़ किए हैं। फ्रोज़न कॉर्न्स को का मैंने इसमें यूज़ किया है। बट इसमें भी वेरिएशन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है बीन्स, अगर आपके पास में केवल राजमा और चना है तो आप उससे बना सकते हैं, आप पीज ऐड कर सकते हैं, आप कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके पास में क्या अवेलेबल है आप उसके साथ में करेंगे। इन्हीं सब इंग्रेडिएंट के साथ में जो हमने टेको सॉस बनाया है, वो थोड़ा सा सॉस भी हम इसके अंदर स्टफिंग जो बनाएंगे उसके अंदर यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ सीजनिंग के लिए हम यहाँ पे टेको सीजनिंग यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने घर पे बनाई है, रेडीमेड भी मिलती है। तो आप इसकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अब स्टफिंग स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है। बहुत ही कम ऑयल मैं ले रही हूँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें स्टफिंग एक्स्ट्रा बनाने वाली हूँ। मैं आपको इसके साथ में 2 डिशेस एक्चुअल में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। मैं एक डिश अपने डिनर के लिए बना रही हूँ, जो कि मिक्स बीन क्वेसिडियाज हैं, और दूसरा जो बीन मिक्सचर बचा रहेगा उसको मैं ब्रेकफास्ट में बुरीतोस बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलरी और ऑनियन इसमें ऐड कर दिया है। सेलरी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें फिर जिंजर गार्लिक एंड चिलीज ऐड किया। ऑनियन को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, हमें ब्राउन नहीं करना होता है, केवल हमें इसको इतना करना होता है कि वो स्वेट हो जाए, थोड़ा सा पिंकिश और ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, उतना ही हम इसमें पकाते हैं। इसके बाद में हम सारी सब्जियां ऐड करके फिर टमाटो प्यूरी जो हमने ली है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। यहाँ पे हम इसमें साथ में फिर बाद में सीजनिंग भी ऐड कर देंगे।
यहाँ पे आप टमेटो प्यूरी रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास में फ्रेश टमेटो प्यूरी आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो। यहाँ पे मैंने टैको सीजनिंग यूज़ किया और उसके साथ ही इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड लिटिल शुगर, हम जिससे कि इसका जो शुगर होती है वो उसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है। ये सब कुछ मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और उसके बाद में फिर जो हमारे पास में बॉइल्ड बीन का मिक्सचर है वो वन बाय वन इसमें ऐड करेंगे। जिस पानी में हमने बॉइल किया हुआ होता है बीन्स को, हम उस पानी को भी बचा के रखते हैं, वो फेंकना नहीं होता है बिकॉज उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट उस पानी के अंदर आ जाते हैं, तो वो पानी भी हम इसके अंदर ही यूज़ करेंगे। जैसे ही सब्जियां हमें लगता है कि थोड़ा पक गई हैं तो हम इसमें अब सारी बीन्स इकट्ठी यूज़ कर लेंगे जो भी है, मिक्स करते जाएंगे और फिर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। या जो पानी है वो भी आप देख रहे हैं कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो आपको ये पानी भी ऐड कर देना है। और जब आप इसको बॉईल कर रहे हैं तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, उतना ही रखना होता है जितने में कि बीन पूरी अच्छी तरह से डिप हो जाए, और फिर उसे बॉईल करेंगे तो वो पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रहेगी, मिनिमम ही रहेगी, तो उसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे बीन मिक्सचर को हम कम से कम 10 से 15 मिनट पकने देंगे जिससे कि जो सारा पानी है वो रिड्यूस होने लग जाए, और उसके बाद में जो बीन मिक्सचर का हम हाफ जो बीन्स हैं इनको अच्छी तरह से लेडर से मैश कर देंगे इसमें, क्योंकि ये हमें थिक मिक्सचर हो जाना चाहिए स्टफिंग बनाने के लिए, तो जब हम इसमें आधा मैश कर देंगे तो ये ठंडा होके थोड़ा थिक हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम इसमें टैको सॉस ऐड करेंगे, टमाटो प्यूरी हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और लास्ट में कोरिएंडर लीव्स मैंने इसमें ऐड करी है। यहाँ पे मैं अभी इसको थोड़ा सा और मैश करूँगी और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये एकदम से हमारा स्टफिंग पूरा तैयार हो जाएगा। तैयार हो चुकी है, अब हम इसके लिए सॉर क्रीम तैयार करेंगे। जो मैक्सिकन डिश के साथ में सॉर क्रीम सर्व होती है वो रेडीमेड भी मिलती है, मेनली उसमें जो क्रीम होती है उसमें लेमन को डाल के और उसमें सीजनिंग ऐड करके सॉर क्रीम प्रिपेयर करी जाती है, बट यहाँ पे मैंने क्रीम को रिप्लेस किया है थिक योगर्ट के साथ में। योगर्ट के अंदर मैंने थोड़ा सा चिली पेस्ट, सॉल्ट, लेमन जूस और हल्का सा गार्लिक पाउडर डाला, और ये मेरी सॉर क्रीम रेडी है जो कि हेल्दियर ऑप्शन है। जो बाहर की हम मेयोनीज बेस्ड ड्रेसिंग लेते हैं या क्रीम बेस्ड ड्रेसिंग लेते हैं उसकी तुलना में आप इसको सैलेड्स में भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस कंपोनेंट जो हमारे डिश का है वो है ग्वाकामोल। ग्वाकामोल एक तरह का चटनी है या स्प्रेड है जो कि अवोकेडो से तैयार किया जाता है। ये अवोकेडोज है, मैंने यहाँ पे 2 अवोकेडोज को लिया है, साथ में एक छोटा ऑनियन, ग्रीन चिलीज, ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, लेमन जूस, इसके साथ ही इसमें गार्लिक और सॉल्ट, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो अवोकेडो को पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका जो सीड होता है सेंटर में इसको निकाल देते हैं और फिर हम इसको स्कूप कर लेते हैं। जब ये पका हुआ होता है तो बहुत ही आसानी से स्कूप हो जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा देर कभी भी एयर में खुला नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज ये ऑक्सीडाइज होकर इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो हम जैसे ही इसको निकालेंगे चॉपर में डाल के मैं इसमें बहुत जल्दी से लेमन जूस ऐड कर दूंगी। लेमन जूस इसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है और इसका कलर रिटेन करता है। सभी चीज़ों को यहाँ पे मैंने चॉपर में डाल के मैं उसको एक डिप बना लूँगी। ग्वाकामोल, ग्वाकामोल मैक्सिकन डिशेस का एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट है सॉरी। आपको हर डिश में जब भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो साथ में ये सर्व होगा। यहाँ पे मैं आपको ग्वाकामोल और सालसा दोनों की डिफरेंट रेसिपीज़ बना रही हूँ, क्योंकि आप जब और भी मैक्सिकन डिशेस बनाएंगे तो उसमें ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, बट इस पर्टिकुलर डिश में आप चाहें तो आप ग्वाकामोले और सालसा को अलग अलग बनाने की बजाय इसमें अवोकेडो सालसा बना सकते हैं। मींस जो सालसा की रेसिपी में भी सारे इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो हम टमेटो एंड अवोकेडो दोनों एक साथ मिला के एक हम डिप बना सकते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको अवोकेडो इजीली अवेलेबल नहीं होता है अपने यहाँ पे जैसे एरिया में आप रहते हैं, तो डोंट वरी, आप कोई भी एक ग्रीन डिप अपने हिसाब से बनाइए। किसी और आप किसी और फ्रूट के साथ में ट्राई करिए, आप रॉ मैंगो के साथ में ट्राई करिए एंड उसको इस डिश में ऐड किए तो कीजिए तो भी आप इस डिश को तैयार कर पाएंगे। तो हमेशा हमें इनोवेशन और करते रहना चाहिए, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे मैं आपके साथ में टमेटो सेल्सा जो कि रेस्टोरेंट में सर्व होता है वो किस तरह का होता है उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने डीसीडेड टमेटोज़ लिए हैं और टमेटोज़ को लेके साथ में हमने यहाँ पे ऑनियन और गार्लिक उसमें ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने रेड चिली यूज़ करी है ग्रीन की बजाय, जिससे कि कलर ज़्यादा रेड रहे।
और जो मेन डिफरेंट थिंग जो मैं करने वाली हूँ, नॉर्मली जब लोग सालसा बनाते हैं तो केवल फ्रेश टमेटो से बनाते हैं, मैं यहाँ पे ब्लेंच जो टमेटो है जिसमें कि हम टमेटो का स्किन निकाल देंगे और फिर उसको काट करके जो उसका पल्प और टमेटोज है वो साथ में यूज़ करने वाले हैं, जिससे इसका कलर जो रेस्टोरेंट में एकदम रेड सालसा का होता है उस तरह का होगा। और आप इसमें थोड़ा सा टमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं एंड दैट विल बी योर रेस्टोरेंट स्टाइल सालसा। तो यहाँ पे ये मैंने ब्लांच टमेटो का को पल्प के रूप में जो कटिंग करके और जो पीसेज हैं सब यूज़ किया है। सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्यूमन सीड ऐड करेंगे एज यूजल, और लेमन जूस जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। और हमारा ये सालसा या सैलेड आप कह सकते हैं, सालसा कह सकते हैं या टमेटो चटनी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सारे कंपोनेंट अब ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम क्वेसेडियास की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इसमें चीज़ ब्लेंड चाहिए, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चेडर चीज़, पनीर और मोज़रेला चीज़ का मिक्सचर यूज़ किया है। ये सारे कंपोनेंट जो हमने अभी पूरा रेसिपी में डिस्कस किए और बनाए हैं वो सब हैं, और उसके साथ ही चीज़ है। सबसे पहले अब हमें जो इसके लिए जो बेस के लिए चाहिए, ये मैंने आपको स्पाइस की रेसिपी शेयर करी है। बेस के लिए जो मेन इसकी कवरिंग होती है टॉर्टियाज जो कहलाता है। टॉर्टियाज इज बेसिकली ये टाइप ऑफ चपाती है जो कि पतली और लंबी चपाती बेल के हम इसको थोड़ा ऑलमोस्ट हाफ कुक जैसा कुक कर लेते हैं और हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक टॉर्टिया या चपाती लेके उसके ऊपर आप टैको सॉस लगाएंगे, और टैको सॉस लगा के हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड करेंगे। चीज़ स्प्रेड करके हम इसके हाफ पोर्शन में करेंगे क्योंकि हम इसी को ऊपर से वापस फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो दो चपाती इसके बीच में भी बना सकते हैं, दोनों तरह से इसको बनाया जा सकता है। मैं एक चपाती में फोल्ड करके इसको बना रही हूँ क्योंकि उससे एक साइड का जो होता है वो हमारा पूरा कवर आता है। चीज़ ऐड करने के बाद में फिर मिक्स बीन फिलिंग जो हमने बनाई है स्टफिंग, उसको अच्छी तरह से इसमें अच्छी क्वांटिटी में ऐड करके इसके ऊपर हम वापस से थोड़ा हमारा सबसे पहले हम गुआकामोल और सालसा ऐड करके फिर टॉप पे वापस से थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे एंड चपाती इसको अच्छी तरह फोल्ड करके कॉर्नर्स को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर इसको सेकेंगे। इसको आप चाहें तो ओवन में कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको पैन में दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है और जिससे कि आप नॉर्मली अपने तवे पे या जैसे भी आप बनाना चाहें उसको आसानी से बना सकें। तो पैन को गर्म करके उसमें को पहले थोड़ा सा ऑयल से ब्रश कर देंगे अच्छी तरह, और फिर हम इसमें अपने क्वेसेडियाज जो हमने प्रिपेयर करें इनको रख कर थोड़ा स्लो टू मीडियम उस पर पकने देंगे, जिससे कि जो इसकी कवरिंग है टॉपिंग है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, जो इसकी सरफेस है टॉर्टियाज हैं वो क्रिस्पी हो जाने चाहिए, और अंदर क्योंकि हमने दोनों साइड में चीज़ लगाया वो मेल्ट होगा, और जो मेल्ट होगा वो उसको अच्छी तरह से बांध लेगा आपस में एक दूसरे से दोनों साइड को, और हमारे टॉर्टियाज तैयार हो जाएंगे। इसी तरह की बहुत सारी और डिफरेंट रेसिपीज़ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे हैं, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मुझे फॉलो करिए। मेरे होम पेज पे आपको मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज का बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक करने से आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पहुँच सकते हैं। ये हमारे क्वेसेडियाज तैयार हो चुके हैं। सर्व करने के लिए हम इनको आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर सर्विंग प्लेट में अच्छे से अरेंज करके हमारी जो टॉपिंग के लिए हमने जो भी स्प्रेड बनाए हैं उनको इसके ऊपर लगाएंगे और सॉर क्रीम के साथ में इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव्स एंड हेलेपिनोज ऑल्सो मैंने इसके साथ में सर्व किया है, टैको सॉस एवरीथिंग। सो इट्स वेरी टेस्टी एंड हेल्दी डिश जो कि आप सबको ट्राई करनी चाहिए एक बार। तो ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल एक बहुत ही फैंसी डिलीशियस एंड ब्यूटीफुल डिश तैयार हो चुकी है, जो कि आपको रेस्टोरेंट्स में बहुत ही एक्सपेंसिव एंड हाई फाई रेस्टोरेंट्स में सर्व होती है। इसको आप अपने घर पर अपने आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको साथ में एक जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बुरीतोस की, जो ये भी मैक्सिकन का एक बहुत ही फेमस डिश है। इसके लिए सबसे पहले जो टॉर्टियाज हमारे बचे हुए हैं इनको हम पहले थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होने से इसको फोल्ड करने में बहुत आसानी होती है। फिर इसके ऊपर मैंने यहाँ पे वापस से एक टॉर्टिया लेके उसके ऊपर थोड़ा सा टैको सॉस लगाया है। इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा सैलेड भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टॉर्टिया लेके उसके अंदर पहले मिक्स बीन स्टफिंग ऐड करेंगे। अगर आपके पास में थोड़ा सा राइस है तो बुरीतोज में राइस भी डाला जाता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा राइस भी ऐड करने वाली हूँ, बट बहुत ही थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बीन स्टफिंग ज़्यादा अच्छी लगती है राइस के कंपैरिजन में। इसके बाद में राइस को ऐड करके हम इसके अंदर सैलेड ऐड करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें सबको सारे कंपोनेंट हैं हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड,
तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, रोल है, बहुत हैंडी होता है, तो आप बना के इसको टिफ़िन में लेके जा सकते हैं, अपने लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं कभी भी जा रहे हैं, और ऑन द रोड ऑल्सो, ऑन द वे ऑल्सो यू कैन ईट। तो यहाँ पे हम सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देंगे, अगर आप चाहें तो इसके अंदर हेलोपिनोज और ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं, और फिर इस बुरीतोस को एकदम टाइटली हम इसको रोल करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टैको सीजनिंग भी ऐड किया है, लास्ट में सॉरी चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करने के बाद में हम इसको अच्छे से टाइटली फोल्ड करेंगे, तो जो हम स्टफिंग करते हैं वो थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि वो हमें रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, वन साइड एक तरफ ज़्यादा रखेंगे। टाइटली रोल करके आप चाहें तो इसको ऐसे ही एक बटर पेपर में या रोल करके या फॉइल में रोल करके इसको सिंपली ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या पैक करके लेके जा सकते हैं, बट मुझे इसके बाद में इसको थोड़ा सा सेक के क्रिस्पी बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में ये वाला मेथड शेयर कर रही हूँ, सिंपल तवे पे जो चपाती तवा होता है उस पर हल्का सा ऑयल लगा के इसको पलट के हर साइड से हम धीरे धीरे रोल को पका लेंगे, और तो ये बहुत ही बाहर से क्रिस्पी और दिखने में सुंदर आ जाता हो जाता है। अगर आप इसको पका नहीं रहे हैं तो फिर आपको फोल्डिंग करते समय थोड़ा सा दोनों साइड से भी फोल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि सारा स्टफिंग बाहर नहीं आए, बट इसको पकाने के बाद में ये अपने आप में पूरा सील हो जाता है। तो ये हमारे बुरीतोस की रेसिपी है, होप आपको ये दोनों रेसिपीज पसंद आई होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।